अब हम लोग पेपर थ्री देखेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि देखिए कोड जो दिया हुआ है वो 5807 है और एम कॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेपर थ्री, इसके भी 3 घंटे होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो नोट में दिया हुआ अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए सेक्शन ए। नोट में दिया हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स विथ डायग्राम, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में चित्र सहित हो। क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िएगा आप लोग, ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देना स्टार्ट कर दिए, पूरी तरह से पढ़िए। 50 शब्दों में आपको आंसर देना और चित्र के साथ में देना है, ठीक है। तो देखिए वन का वन, ओनली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, केवल मांग तालिका जो व्यक्तिगत हो। दूसरा नंबर डायग्राम ऑफ इनकम डिमांड, आय मांग का चित्र। तीसरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। फोर फिलअप द फॉर्मूला ऑफ प्रपोजल मेथड, अनुपातिक रीति के नियम की पूर्ति कीजिए यदि मांग डिमांड, मांग की पूर्व मात्रा ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन नंबर फाइव इनडिफरेंस कर्व लाइन कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओनली मेक ए डायग्राम। तटस्थता वक्र रेखा मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होती है, केवल चित्र बनाइए। सिक्स फ्लो चार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट। सेवन रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध। सेवन रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ओनली फ्रॉम डायग्राम। सीमांत तथा औसत लागत का संबंध, केवल चित्र से। नाइन्थ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फॉर्म इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, पाई स्क्वल टू टी आर माइनस टी सी, व्यवसायिक फॉर्म का उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना, पाई स्क्वल टू टी आर माइनस टी सी। टेन फॉर ए फॉर्म ए आर स्क्वल टू एम आर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फाइंड आउट ओनली द डायग्राम। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म के लिए ए आर स्क्वल टू एम आर, केवल चित्र बनाइए। सेक्शन बी खंड ब में दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी आंसर देने और सभी 200 मतलब की वर्ड में देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डिमांड विद डायग्राम, मांग के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, सचित्र कीजिए, यानी कि चित्र भी बनाना है आपको। या अथवा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस टू द परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, मांग लोच क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा एक उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए। या अथवा डिस्कस द शेप ऑफ इनकम कंजप्शन कर्व इन इनडिफरेंस कर्व, आय उपभोग रेखा के शक्ल तटस्थता वक्र में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस टू द लॉ ऑफ रिटर्न्स विच आर क्लियरिफाइड विद अ शेड्यूल, उत्पत्ति के नियम को स्पष्ट कीजिए जो एक तालिका से स्पष्ट हो। या अथवा इन इज इंक्रीजिंग रिटर्न कॉम्पिटिबल विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या उत्पत्ति वृद्धि नियम पूर्ण प्रतियोगिता के साथ मिल खाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस डिसीजंस, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, व्यावसायिक निर्णयों की प्रकृति क्या है, इसके निर्णय निर्माण प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अथवा या इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन, मूल्य निर्धारण पर समय तत्व का प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। सिक्स एक्सप्लेन द एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल में औसत लागतों की व्याख्या कीजिए। या अथवा डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, व्यावसायिक फॉर्म के उद्देश्य को बताइए, सेक्शन सी। अब हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, खंड सा नोट। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और हर क्वेश्चन का आंसर आप 500 वर्ड में करेंगे, और जो आंसर आप करेंगे उसके जो मार्क्स मिलेंगे आपको 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का 15 नंबर तो 2 क्वेश्चन का 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस फुली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम ऑफ द वेरियस सेक्शन इन द कम्युनिटी, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन रोजगार तथा विभिन्न वर्गों के वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेलिंग कॉस्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, इफेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन डिमांड एक्सप्लेन, क्या विक्रय लागतों एवं उत्पादन में भिन्नता है, विक्रय लागतों का मांग पर प्रभाव क्या पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राष्ट्रीय आय का निर्धारण बचत निवेश दृष्टिकोण द्वारा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इवैल्यूएट द ट्रेड साइकिल थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर सिमुलेशन मॉडल, गुणक व त्वरक के अंतर क्रिया द्वारा व्यापारिक चक्रों की उत्पत्ति होती है, सैमुएलसन का मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, हिक्स के व्यापारिक चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये पेपर 3 थे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और आगे हम लोग जो पेपर 4 देखेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखेंगे।